डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, डेयरी केमिस्ट्री के अंदर जो दूध की जो पोषक अवयव हैं उनमें प्रोटीन में आपने कैसीन प्रोटीन की पोषक उपयोगिता की बात कर ली थी। उसी में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं खनिज पदार्थ, यानी दूध के अंदर जो खनिज पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे रहेगा मिनरल मैटर्स, खनिज पदार्थ मिनरल मैटर्स। खनिज पदार्थ इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, अन्य अवयवों की तरह दूध के जो खनिज हैं वो शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन शरीर के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। अन्य अवयवों की तरह जो खनिज पदार्थ हैं शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन शरीर के लिए क्या होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। उन खनिज पदार्थों के रूप में कौन कौन से खनिज पदार्थों की बात करेंगे, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक और आयोडीन। ये जो सभी खनिज पदार्थ वो ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन शरीर के लिए क्या होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। जिसमें जो खनिज पदार्थों के रूप में प्रोटीन की बात की जाए तो कैल्शियम जो प्रोटीन है खनिज पदार्थों में, कैल्शियम और फास्फोरस जो खनिज पदार्थ की बात की है मैंने, उनमें कैल्शियम कैल्शियम एवं फास्फोरस खनिज पदार्थों की प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत होता है। जो बच्चों के अंदर बच्चों की हड्डियों के निर्माण में एवं जो डेवलपमेंट है विकास है उसमें सहायक होता है। कैल्शियम प्रोटीन किसका अच्छा सोर्स होता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस का, जो बच्चों की हड्डियों के निर्माण एवं विकास में क्या होता है, सहायक होता है। दूध में पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ है उनकी जो मात्रा है वो 0.70 से 0.90% पाई जाती है। तो ये है आपके खनिज पदार्थ। क्या होता है मिनरल मेटल्स के अंदर दूध के जो खनिज पदार्थ है अन्य अवयवों की तरह दूध के खनिज पदार्थ अन्य अवयवों की तरह ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। दूध के जो खनिज पदार्थ हैं अन्य अवयवों की तरह ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन जीवन के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। दूध में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज पदार्थ है वो निम्न है। दूध में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थ निम्न है। दूध में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज पदार्थ है वो निम्न है, जिसमें कौन है, सोडियम है एंड मैग्नीशियम, Mg, फास्फोरस कैल्शियम Ca, आयरन Fe, कोबाल्ट Cu, जिंक Zn, आयोडीन
ये दूध में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थ हैं, जिनमें कैल्शियम जो और फास्फोरस जो है, ये दोनों खनिज पदार्थ हैं। इनकी प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत होता है दूध में कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम व फास्फोरस की प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है। कैल्शियम जो है वो कैल्शियम एवं फास्फोरस की प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है, जो बच्चों की हड्डियों के निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। यह बच्चों की हड्डियों के निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। बच्चों की हड्डियों के निर्माण एवं विकास में क्या होता है, सहायक होता है। दूध में खनिज पदार्थों की जो मात्रा है जीरो पॉइंट सात जीरो से 0.90% पाई जाती है। दूध में खनिज पदार्थों की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 0.70 से 0.9% पाई जाती है। तो ये है दूध में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थ। दूध के जो खनिज पदार्थ है वो अन्य अवयवों की तरह ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, लेकिन शरीर के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। अब दूध में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज पदार्थ है उनमें कौन कौन से है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन, कोबाल्ट, जिंक और आयोडीन। इनमें से कैल्शियम और फास्फोरस की प्राप्ति का एक अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम कैल्शियम फास्फोरस की प्राप्ति का अच्छा स्रोत सोर्स है, जो बच्चों की हड्डियों के निर्माण एवं विकास में क्या होता है, सहायक होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे, बच्चों की हड्डियों के निर्माण एवं विकास में सहायक खनिज कौन से, कैल्शियम एवं फास्फोरस। दूध में खनिज पदार्थों की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 0.70 से 0.90% पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही काफी है।